2022 में अडानी ग्रुप ने दौलत कमाने के मामले में देश ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। भारत में अंबानी तो दुनिया में जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग और बिल गेट्स जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़कर गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स बन गए। एक कारोबारी घराने के तौर पर अडानी समूह की तेज रफ्तार ने 2022 में निवेशकों को भी खूब पैसा कमाने में मदद की, लेकिन एक ग्रुप के तौर पर अडानी समूह अभी भी टाटा ग्रुप से पीछे मौजूद है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से 2022 में टाटा ग्रुप 21.2 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ देश का सबसे बड़ा ग्रुप बना हुआ है, लेकिन 2021 में 23.4 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले ग्रुप के मार्केट कैप में गिरावट आई है। वहीं अडानी ग्रुप 2022 में 19.66 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ दूसरे स्थान पर रहा और इसकी मार्केट कैप 9.62 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज का 2022 में मार्केट कैपिटलाइजेशन 17.54 लाख करोड़ रुपए रहा और ये तीसरे नंबर पर है। 2021 में इसका मार्केट कैप 16.4 लाख करोड़ रुपए था। अडानी समूह के मार्केट कैप में बढ़ोतरी की एक वजह गुजरात अंबुजा ACC जैसी दिग्गज सीमेंट कंपनियों का अधिग्रहण रहा। इनसे अडानी ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.52 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। वहीं अडानी विल्मर की शेयर बाजार में लिस्टिंग से भी अडानी ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन 80,000 करोड़ रुपए बढ़ा है। और अब देखते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से देश के टॉप 10 ग्रुप कौन से हैं। बजाज ग्रुप देश का चौथा सबसे बड़ा समूह है, जिसकी लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 8.35 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो 2021 में 8.58 लाख करोड़ रुपए से 2.6% कम है। सुनील भारती मित्तल का भारती ग्रुप 5.17 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ पांचवें स्थान पर है। बिरला ग्रुप 4.56 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप के साथ छठे पायदान पर है। महिंद्रा ग्रुप 3 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप के साथ सातवें नंबर पर है। एशियन पेंट्स ग्रुप 2.97 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप के साथ आठवें पायदान पर है। वहीं शिव नदार की HCL टेक 2.82 लाख करोड़ रुपए के साथ नौवें नंबर पर है और राधा कृष्ण दमानी का एवेन्यू सुपरमार्ट 2.64 लाख करोड़ रुपए के साथ दसवें स्थान पर है। लेकिन अगर 2023 में भी अडानी समूह ने 2022 जैसा करिश्मा कर दिखाया तो फिर इस साल टाटा ग्रुप मार्केट कैप में नंबर वन का ताज गवा सकता है।